69 न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, अब राजनीतिक गलियारों में जो सियासी सरगर्मी है वो बढ़ती जा रही है। जो दिग्गज नेता हैं विपक्षी दल के, वो अब सीटों को लेकर के काफी ज्यादा चिंतन मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार किस सीट से किस नेता को उतारा जाए। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश की सियासत में भी सपा और बसपा ने तस्वीर को साफ कर दिया है, जहां एक ओर समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि आखिरकार उनके दिग्गज नेता किन सीटों से चुनावी मैदान में उतरेंगे, जैसे कि शिवपाल यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव। तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी भी फैसला ले चुकी है कि आखिरकार किस सीट से किसे चुनावी मैदान में उतारना है। बसपा सुप्रीमो मायावती, जिनकी चर्चा इस वक्त काफी ज्यादा हो रही है कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में मायावती किसकी तरफ रुख करती हुई नजर आएंगी, इंडिया अलायंस या फिर एनडीए, या फिर जैसा कि अब तक के बयानों में मायावती ने दर्शाया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी और किसी भी गठबंधन का हाथ नहीं थामेगी। मायावती की अगर बात करें तो हाल ही में उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी, उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिसके बाद आकाश आनंद को लेकर लगातार सवाल ये उठ रहा है कि क्या आकाश आनंद बहुजन समाजवादी पार्टी को उस बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे जिस तरह से मायावती अब तक संभाल रही थी। मायावती की अगर बात करें तो एक समय में उत्तर प्रदेश में उनका डंका बजता था, मुख्यमंत्री के तौर पर जैसा कार्यकाल मायावती का रहा है वैसा शायद ही किसी दूसरे नेता का रहा हो, क्योंकि मायावती जो दलितों की मसीहा मानी जाती है, दलितों के लिए एक भगवान के तौर पर मानी जाती है। अब जब से भारतीय जनता पार्टी का राज यूपी में हुआ है, मायावती का जो दबदबा था, जो वर्चस्व था, अब धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच अब खबर सामने आ रही है कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद को अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि ये जो सीट है ये बीएसपी के पाले में काफी समय से है और बसपा का इस पर कब्जा माना जाता है, और शायद इसीलिए आकाश आनंद को चुनावी मैदान में इस सीट से उतारा जा रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर एक अच्छा खासा वोट बैंक इस सीट पर बसपा के समर्थन में रहता है। लेकिन अहम सवाल, राजनीति में बिल्कुल भी तजुर्बा ना रखने वाले आकाश आनंद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर कहीं मायावती कोई बड़ी भूल तो नहीं कर रही है? क्या वो अपनी पार्टी को आकाश आनंद के हाथों में सौंप कर अपनी पार्टी को खतरे में तो नहीं डाल रही है? ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है और अब देखना काफी अहम होगा कि क्या आकाश आनंद मायावती द्वारा सौंपी गई इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ और निष्पक्षता के साथ निभा पाएंगे या नहीं। क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।